निकलते वक्त ऐसा कौन सा दिन आएगा मैं भी इस पिक्चर का हीरो बनूं, मैं भी इस पिक्चर की हीरोइन बनूं। लेकिन मैंने इस मंच को देखा था आज से 2-3 साल पहले कि मैं कौन सा दिन आएगा कि ताल कटोरा के अंदर मेरी भी टीम बैठी होगी और मैं भी इसका हीरो होऊंगा। दोस्तों जिंदगी कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, जहां तक आप नीचे सोचो उससे भी नीचे थी। एक किसान के घर में जन्म हुआ जहां पर पानी भर जाता था उस गांव में मेरे घर के लोग किसी टीले पर जाकर रहते थे। मेरे बड़े दो भाइयों ने पढ़ाई छोड़ी उसके बाद मुझे पढ़ाया। और जो प्रेशर आपके ऊपर होता है कि पढ़ ले बेटा नौकरी लग जाएगी वो मेरे ऊपर भी था और भगवान की कृपा हुई कि मेरी भी नौकरी लगी। 15 साल नौकरी करते करते हो गए, जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ, लड्डू बांटे थे मैंने नौकरी वाले दिन, शायद सब कुछ मिल गया ऐसा लगता है ना। लेकिन पता चला 15 साल बाद क्या कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जो लड्डू बांटे थे। कच्चा घर था, थोड़ा पक्का बन गया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। साल के 15 में, नौकरी के 15 में, साल में वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। पठानकोट का दिन था, पठानकोट में एक 3 सैन में एक हरेंद्र जी ने मुझे एक ऐसे इंसान से मिलवाया जिनका नाम तो मैं ले ही नहीं सकता, साक्षात भगवान कह सकता हूं और वो हमारे और आप सबके गॉड फादर हैं, मिस्टर संजीव सर। जिस दिन मुझे इन्होंने मिलने का मौका मिला सर, दूसरे तीसरे दिन जाकर के सर ने कहा बेटा चल मैं तेरे साथ काम करूंगा। पहली बार ये मेरे घर आए थे, मेरी माँ पठानकोट में थी और इनके जुनून जब मेरे पास आए, मैं खाना खा रहा था 2 बजे ऑफिस से आने के बाद में, तो इनकी जो तेज था चेहरे पर, इनकी बातों में जो झलक थी, इसे इनके जाने के बाद मेरी माँ ने पूछा अरे बेटा ये कौन था। मैं बोला माँ एक संजीव जी है जो यूपी के ही अपने आंखे और एक बिजनेस में मुझे लेके जा रहे हैं, मैं उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं, मैं इनके साथ काम करना चाह रहा हूं। तो मेरी मां ने मुझसे कहा था बेटा ये तो नहीं पता मुझे तू क्या करेगा, लेकिन मैं तुझे ये कह सकती हूं आने वाले समय में ये लड़का इतिहास लिखेगा, इतिहास लिखेगा। ये मेरी मां के वक्त थे जिसने मुझे जन्म दिया, मेरे पर विश्वास नहीं किया। इस इंसान के बारे में जब पढ़ गए तो मैं बोला मां जब इस यही इंसान इतिहास रख सकता है तो मैं इसको जिंदगी भर कसम है तेरी छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मैंने जब अपने पापा को यह बात कही कि पापा मैं भी एक ऐसा काम करने जा रहा हूं कि जहां से लाखों रुपए महीने कमाऊंगा, तो मेरे पापा मेरी मां की तरफ ऐसे देख के हंस रहे थे और कह रहे थे कि देख तेरा लड़का पागल हो गया है, लाखों रुपए कमाने की बात करता है, लाखों रुपए। और मेरे कान में आके बोले तेरे बाप ने भी कभी कमाए कैसे तू कमाएगा। मैं बोला पिताजी सुनो ऐसे कौन से इतिहास में लिखा हुआ है कि जो काम बाप ने नहीं किया वो बेटा नहीं कर सकता। अरे सचिन तेंदुलकर का बाप क्रिकेटर था, अमिताभ बच्चन का बाप हीरो था, माधुरी दीक्षित की माँ हीरोइन थी, नरेंद्र मोदी का बाप प्रधानमंत्री था। जब ये सब कर सकते हैं तो तुम्हारा बेटा भी एक दिन करोड़ों कमाएगा, लाखों नहीं करोड़ों कमाएगा। और दोस्तों मैंने इस काम को 9 जनवरी 2015 को करना शुरू किया। नेटवर्क मार्केट, ये जो टीम बैठी हुई है ना सर, ये मैं लीडर के हिसाब से बात नहीं करता कभी भी, मेरा कंपनी से भी नेटवर्कर या लीडर का रिश्ता नहीं है, मेरा आपके साथ भी एक ऐसा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है जिसे जिंदगी में कभी तोड़ना नहीं चाहूंगा। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, तुम्हारी तालियां बजाएंगी तुम यहां बैठे हो। पुरानी दोस्त
शक्ति को इस नई ताकत से मत तोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। षड्यंत्र चोगे हमारे साथ, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, मेरे लहजे की छेनी से गढ़े जो देवता जो कल, मेरे शब्दों पे मरते थे वो अब कहते हैं मत बोलो। सर, जिंदगी में मैं ऐसे रिश्ते बना के काम करता हूं जो इंसान अभी आपके सामने जिसे 2-3 करोड़ की क्लिक नहीं हो रही थी। मिस्टर बी एस भंडारी 6 महीने मेरे साथ काम किया और इस इंसान ने, मैंने कहा भाई प्लेटफॉर्म अच्छा है, नौकरी छोड़ दी। इनका फोन मेरे पास आया, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था, रामी सर एक वादा कर दो। मैंने कहा क्या? सर आपको पता है मैं अपने परिवार में अकेला हूं, मैं 3 महीने माँ बाप है, खेती नहीं है, गरीब इंसान हूं, मैं एक बार धोखा खा चुका हूं। मैंने कहा तो? बोला सर एक वादा कर दो, ये कंपनी रहे ना रहे तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, मैं नौकरी पे आज रिजाइन कर दूंगा। मैं उस दिन अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था, मैं रोया था सर, रोया था। कोई इंसान 6 महीने के अंदर इतना परख सकता है, नौकरी छोड़ने से पहले इतना वादा कर सकता है? मैंने भी कहा अरे भंडारी इस चश्मे में जब तक एक बूंद रहेगी खून की और एक सांस रहेगी, राम भी तुझे नहीं छोड़ेगा, चाहे खानदान को छोड़ देगा। सर कभी जिंदगी में लालच के साथ आप टीम के साथ जाओगे ना, मेरा चैलेंज है गुरुजी, आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी टीम से आज तक लोग कहते हैं कंपनी वाले लालच देते, आज तक एक सिंगल बंदा मेरी टीम का कहीं गया नहीं, किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं किया। इसका प्रूफ आपकी तालियां एक बार गुरुजी को दिला दे। अरे यही हो पक्का? सर जिंदगी में जब भी आगे बढ़ना है ना, पहले अपनी तरफ अपने घरे बार में देखना है। अरे लोग पैसा कमाने के लिए तो हम आए ही नहीं, पैसा कमाने आते तो सर बहुत सारे धंधे हैं दुनिया में, लोग ड्रग पेश के पैसा कमाते हैं, यूरिया से दूध बनाते हैं, ताल में कंकड़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, दलाली करते हैं, हम भी कर सकते थे, लेकिन हमारा कर्म साक्षी होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्येवाद कारस्ते मा फलेषु कदाचनम्, कर्म ही आपका ऊपर जाएगा, आपका नीचे कुछ नहीं जाने वाला। तो जब भी कुछ करना है अपनी तरफ देखना। मैं रोज शीशे में अपने आप से 10 मिनट बाद क्या आप करते हैं सर करना, 10 मिनट रोज आईने में देख के अपने आप से बात करना, आपका दिल कभी भी गलत काम करने के लिए आपको प्रेरित नहीं करेगा, प्रेरित नहीं करेगा। आप सोचो मेरे जैसा इंसान जब मैंने काम करना शुरू किया, फर्स्ट 9 जनवरी 2015 का शो था सर रोहतक के अंदर, पहली बार मैं उस शो में गया और मैंने 18 महीने पार्ट टाइम काम किया, क्योंकि मेरे घर में 57,000 रुपए महीने की ईएमआई देता था सर और तनख्वाह 40,000 आती थी, 40,000। बताओ कैसे काम चलेगा किसी इंसान का? मेरी बीवी कहती थी अरे तुमने क्या कर दिया, अब हमें ये फ्लैट भी बेचना पड़ेगा जो माम चंचल और संजीव से गुरुजी की वजह से मैंने जयपुर में लिया था। सर मेरे पास कुछ भी नहीं था, रात को नींद नहीं आती थी। उसी दौरान इस कंपनी का जन्म हुआ, गुरुजी ने समझाया। लोग कहते हैं मेरा प्लान नहीं आता, मेरे प्लान नहीं करता, मेरे को समझाता नहीं है। अरे सर एक बार प्लान दिया गया था, एक बार इस भाई को डबल डायमंड बनने तक मैंने अपने प्लान को कभी नहीं बुलाया, डबल डायमंड तक।
मेरे अपराध से अनिल कुरी सर जो इंडिया के टॉप लीडर हैं, मेरे अपराध से कंपनी के एमडी सर, क्या मैं इनको बुलाता? अरे मेरी जरूरत है, मुझे बड़ा बनना है, हम कमजोर तो थे ही नहीं। आप जितने भी लोग बैठे हो ना, अपने आप को कमजोर मत समझना सर। आपको पता है हमारी ताकत? आज तक वर्ल्ड में जब भी किसी ने स्टील लिखी है वो गरीब इंसान ने लिखी है, गरीब ने। और हम क्या है? अरे क्या है? अमीर होते तो यहां नहीं बैठे होते साहब, गरीब हैं। लेकिन गरीब इंसान हिट्टी क्यों लिखता है? उसका रीजन होता है कि जब एक गरीब इंसान गरीबी से अपने मां बाप को पैसे के लिए तरसता हुआ देखता है, अपने बीवी बच्चों को इलाज नहीं कर पाता, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पाता, घर में साथियां नहीं होती, समाज में बेइज्जती होती है, तो मेरे जैसा भी उपवास वाले से कहता है, अरे भगवान मेरे को भी एक बार मौका दे दे, एक बार मेरे जैसा कच्चे घर में जन्म लेने वाला इंसान भी 15 लाख रुपए महीने कमा सकता है, 15 लाख रुपए। क्या था सर? सर 18 साल नौकरी करते करते दहेज में मोटरसाइकिल मिली थी, हीरो होंडा पैशन, फोर व्हीलर में कन्वर्ट नहीं हुई साहब। लेकिन आज आज आपका भाई 50 लाख की ओडी में चलता है, 50 लाख की ओडी में। क्यों? क्योंकि सपने मेरे हैं, मंजिल मेरी है, मुझे बड़ा बनना है। अरे हिंदुस्तान में किसी भी घर में किसी तो इंसान को पहला कदम लेना पड़ेगा आपके खानदान की हिस्ट्री चेंज करने के लिए। यशानो, क्या आप सब लोग अपनी हिस्ट्रियां चेंज करने के लिए तैयार हैं? यस दोस्तों, वादा करता हूं इस स्टेज से, तुम्हारा अपराइन तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम्हें जो लाया वो साथ दे या ना दे, तुम्हारे शहर के लोग तुम्हारा साथ दे या ना दे, ये रामवीर इस मंच से वादा करता आपसे, ये चश्मे में एक भी बूंद रहेगी तो वो एस्लिपस के पार्टनर के लिए रहेगी। और याद करना एक बार, भाई आपको वही मिलेगा। दोस्तों हमेशा हमेशा अपना लालच मन देखो कि इसकी जरूरत मुझे है, इसकी जरूरत मुझे है। कभी ये भी देखो, मैं बहुत सारे लड़कों के चेहरे को पढ़ता हूं, मुझे लगता है मुझे इसकी नहीं, इसको मेरी जरूरत है, इसको मेरी जरूरत है। इस लड़के के साथ यदि मैंने समय लगा दिया तो हो सकता है कि इसकी भी जिंदगी बदल जाए। सर एक दूसरे के आंखों को देख के पढ़ा करो, नेटवर्क मार्केटिंग ना प्यार की भाषा है, प्यार की। और मैं तो जिंदगी में जब भी एक बटन खोल के बात करता हूं ना सर, आपके ऊपर करता हूं, आपके ऊपर। आप हो तो मैं हूं, आप नहीं हो तो मैं नहीं हूं। यही मेरी टीम है क्या? यही तालियां तुम्हारी? तुम्हारी ताकत दिखाता हूं दोस्तों, तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। सुना दूं? बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे जिद्दियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम जैसे फाइटरों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। अरे प्यार करो प्यार, नेटवर्क मार्केटिंग में पता नहीं लोग टेंशन लेके घूमते रहते हैं, मैंने आज तक कभी टेंशन नहीं ली।